पटना जिले के बिहटा और आसपास क्षेत्र के बालू घाट पर हो रहे बालू के अवैध खनन और रंगदारी मामले में पटना जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पटना पश्चिमी सिटी एसपी अभिनव धीमान ने के नेतृत्व में छापेमारी के दौरान 54 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही बालू घाट से बालू निकालने वाली सक्शन मशीन और बालू लदा नाव को जब्त किया गया। इधर छापेमारी के दौरान बालू माफियाओं के बीच हड़कंप मच गया। इस संबंध में पटना पश्चिमी सिटी एसपी अभिनव धीमान ने बताया कि पुलिस को सूचना मिल रही थी कि बिहटा के अमनाबाद सुअर मरवा समेत कई बालू घाट और भोजपुर सीमा के इलाके में बालू का अवैध खनन किया जा रहा है। इसके बाद पटना जिला प्रशासन एसटीएफ और भोजपुर जिला प्रशासन के संयुक्त कार्रवाई में अवैध खनन में लगे 54 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अवैध बालू खनन किया जा रहा है और नाव से जो है वो रंगदारी भी ली जा रही है। सूचना उपरांत एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें जिला बल की पुलिस साथ में एसटीएफ और जो तीनों कैंप्स सुअरमरवा अमनाबाद और रामपुर में तीनों कैंप्स जो कार्यरत हैं, वहां से टीम्स का फॉर्मेशन किया गया। हम खुद उस टीम को लीड कर रहे थे। दो टीम उसमें बनाई गई, एक आरा तरफ से जो अमनाबाद स्थित एरिया है वहां पे घेराव किया गया कल रात, साथ में एक अमनाबाद से टीम धावा दल बनाया गया जिसमें हम खुद लीड कर रहे थे। जब वहां घटनास्थल पर पहुंचे जहां पे ये माइनिंग होता है, वहां पे जो है काफी अफड़ा तफड़ी होने लगी। नाव जो है जो बालू माफिया है लेके भागने लगे। एक नाव हमारी नाव से टकरा भी गई और ऑलमोस्ट बोट जो है वो कैप्साइज होने वाली थी। त्वरित कार्रवाई करते हुए और सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए 5 नावों को जो है पकड़ा गया। इसमें करीब टोटल अभी तक 54 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। साथ में ये भी बता दें कि पहले जो है पोकलेन के माध्यम से अवैध बालू खनन किया जाता था, अभी बंद कर दिया गया है। लेकिन अभी जो मशीन हमने कल जब्त की हैं, 2 नावों में ऐसी मशीन जब्त थी जो ट्रैक्टर का इंजन लगा के सक्शन पंप्स वो लोग यूज कर रहे हैं और उसी के माध्यम से अवैध बालू खनन जो है वो किया जा रहा था। तो ये भी एक काफी अच्छी उपलब्धि है पटना पुलिस की, इन स्पेसिफिक जो आप लोगों से शेयर करना चाहते थे। यही है, एक सुबह कार्रवाई की गई थी और एक कल रात जो कार्रवाई की गई है, और इसमें मेजरली अभी तक जो सामने आया है वो सिपाही राय और उनके जो साथ में अन्य कंप्लेसेस हैं उनको भी इसमें नेम्ड किया गया है और इन्हीं के द्वारा ये अवैध खनन जो है वहाँ पे कराया जा रहा है। छपरा के और पटना के और आसपास के जिलों के हैं जो